अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको आज सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार एक डिश जिसका नाम है खड़ियाँ। खड़ियाँ जो है आप रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी टाइम जब भी आपका दिल करे तो चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, सफ़र में। और ये बिल्कुल ऐसे जायका करता है जैसे मछली आप खा रहे हैं। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे एक कप बेसन, ठीक है। बेसन में हम डालेंगे चॉप किया हुआ एक अदद प्याज, एक कप बेसन में एक प्याज, ठीक है। फिर इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये अदरक, अदरक एक टेबलस्पून, लहसुन एक टेबलस्पून, नमक एक टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ एक टीस्पून, साबुत धनिया एक टीस्पून, और इसके अलावा इसमें जाता है लाल मिर्चें, मर्जी पाउडर डालते हैं, कुटा हुआ डालते हैं एक टीस्पून, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों ही डाल ली। और इसके अलावा ऐसे एक चुटकी खाने का चम्मच जितना सोडा, बहुत थोड़ा सा डालना है। ये बिल्कुल आपको लगेगा ये कि यार ये तो पकोड़े बना रही हैं, लेकिन ये पकोड़ों की तरह ही एक बहुत ही डिफरेंट डिश है। बस अब इसमें ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स की, उसके बाद इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करना है। लेकिन ये जो है बहुत पतला बैटर बनाना है, क्योंकि हमने इसको जैसे आप बनाते पैनकेक्स बनाते हैं ना, इस तरह से इसको हमने बनाना है तवे पे, तो इसलिए इसको बहुत पतला सा बनाना है, थिक नहीं बनाना। अच्छा, इनको बनाने के बाद आप इनको किसी भी किस्म का जो भी आप सालन बनाते हैं, प्याज टमाटर तो उसको आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इसको रोटी के साथ सालन, शोरबे वाले सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे प्याज के पकोड़े, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा और पतला करना होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। और पकोड़े तो डीप फ्राई हो जाते हैं, ये पहले हल्की सी सिकाई होगी बिल्कुल रोटी की तरह, इस पर हम रोटी बनाएंगे पहले, तो उसके बाद अगर इसमें हमें लगा कि गुंजाइश है तो हम इसको डीप फ्राई भी फिर करेंगे। ये बस इस तरह से पतला सा बैटर बनाना है, देखें इस तरह से स्मूथ, ठीक है। फिर इसको अब हम आपको बताते हैं कि इसका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, तो ये तवे पे हमने बिल्कुल एक टेबलस्पून जितना ऑयल डाला अगर आपको नज़र आ रहा हो, और इसके अलावा इसको हम फिर ऐसे पोर करेंगे। पोर करने के साथ साथ हम इसमें ऐसे चम्मच चलाएंगे ताकि बिल्कुल एक रोटी की तरह या ऑमलेट की तरह फैलता रहे। कोशिश करें कि बिल्कुल गोल अच्छी सी रोटी आए, और नहीं आए तो भी कोई मसला इतना बड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से हमने किया, इसके लिए कोशिश करें बेसन अच्छे तरीके से देख लें कि फ्रेश हो, कड़वा ना हो, पुराना ना हो। और ये इसकी देख रहे हैं आँच बहुत ज़्यादा तवे की तेज़ ना, ऐसे धीमी सी आँच, दरमियानी सी आँच हो कि ये एकदम भी ना खुश्क हो जाए, लेकिन इसको हमने सेकना है, पकाना है हल्की हल्की आँच पे, धीमी आँच पे, दरमियानी। इसके बाद इसको हमने ये जब हो जाए फिर इसको हमने इस तरह से हल्का हल्का सा, जब देखेंगे कि ये नीचे तो नहीं चिपका हुआ, नीचे नहीं चिपका तो इसका मतलब है कि पक चुका है नीचे से, अब मज़ीद जल नहीं जाए, इसलिए आप इसको बस अब टाइम आ गया है कि हम इसको पलट दें।
क्योंकि जब जो चीज़ चिपकी भी होती है इसका मतलब होता है कि वो अभी देखा कितनी प्यारी गोल्डन गोल्डन सी है। अच्छा, इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, बिल्कुल एक ऑमलेट की तरह इसको हम प्रेस करके, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरी बेटी सुभाष मेरे साथ खड़ी और मुस्तकिल मुझे मेरी हौसला अफजाई करी। इस तरह आप भी हमारी प्लीज़ हौसला अफजाई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको हमारे खाने किस तरह के लग रहे हैं और हमारी रेसिपी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, ये हमने इस तरह से बनाया। अब ये जगह देखें तो ये थोड़ा सा गीला गीला बेसन है ना, इसलिए इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करना है, बहुत हल्का हल्का सा प्रेस करना है, इतना नहीं प्रेस करना कि ये टूट जाए। ये दोनों किनारे जो हैं इसके ऐसे हल्के हल्के से प्रेस करते रहना, फिर इसको फिर से टर्न करना ऐसे। जब ये ऐसे टर्न हो गया फिर इसको हमने बस ये पक गया समझे, ठीक है। लेकिन इसमें मज़ीद एक और स्टेप भी बाकी है, वो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको हमने क्या करना है। ये जो रफ किनारे हैं ना, ये हमने इस तरह से कटिंग करनी है इसकी। ये रफ किनारे कटिंग करके, अच्छा ये किनारे भी ना ब्रेड की तरह कोई ज़ाया नहीं हो जाते। ये आप बच्चों को अभी अभी खाने को दे दें, वो बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अच्छा, बेसन कच्चा नहीं है, अच्छा आप बेफिक्र हो जाएँ। और इस तरह हल्का सा इसको आड़ा काटें, आड़ा काटेंगे तो टिक्कियाँ जो हैं इसकी ये बहुत खूबसूरत सी लगेंगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मछली के पीस आप मेहमानों को खिला रहे हैं या बच्चों को, और वो भी बग़ैर कांटे के। जायका इसमें मछली वाला क्यों आता है, क्योंकि इसमें तो अगर आप फ्रेश लहसुन और अदरक पीस के डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये इस तरह से सारे किनारे हमने काट लिए, ये जो साइड्स के किनारे हैं ये बच्चों को खिला दें या खुद खा लें जैसे मर्जी है। और ये जो टिक्कियाँ हैं ये अब जाएंगी डीप फ्राई होने, तो अब चलते हैं हम डीप फ्राई होने की तरफ। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं फ्राई पैन की तरफ। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है और इसको हम अब डीप फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बन जाएंगे। इसको आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। जब हमने इसको तवे पे सेका आप उस तरह से भी इसको खा सकते हैं, आप इसको डीप फ्राई करना चाहें तब भी खा सकते हैं। अच्छा, जब हमने तवे पे इसको सेका आप उसी स्टेज पर इसको फ्रिज में पैकेट में जैसे समोसे फ्रोज़न या वो मिलते हैं इस तरह से आप करके रख लें, जैसे ही मेहमान आए फ़ौरन आपने निकाला और इसको डीप फ्राई कर लिया, तो ये बहुत मज़ेदार घर बैठे बैठे आपके लिए एक ईजी रेसिपी है और रमज़ान में भी बहुत आसानी से ही आप बना सकते हैं घर में। देखें कितने कम टाइम में। ये आप देख रहे हैं बीच में इसमें बेसन में प्याज वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन कच्चा नहीं है, सिका हुआ है हल्का हल्का सा, बस इतना ही सेकना है। बाकी फिर इसकी ये जो है जो थोड़ी बहुत कसर वो फ्राइंग में हो जाएगी पूरी। ये एकदम जब गोल्डन और क्रिस्पी से हो जाएंगे बस आप इसको निकालें और इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको किसी भी सालन कोई मसाला बनाएं अपने घर में तो आप अक्सर जैसे कोई सालन होता है शोरबा, अक्सर ग्रेवी शोरबा या वो जो है बच जाता है तो आप उसमें इसको डाल दें, तो जैसे कड़ी में पकोड़े डाल दिए जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, ऐसे ये भी आप उस सालन में शोरबे में डालेंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार खड़ैयों का सालन बन जाएगा। इस डिश का नाम है खड़ैयाँ, या बाज़ लोग उल्टे पुल्टे भी कहते हैं। ये मेरी दादी की बताई हुई डिश है जो कि उन्होंने मेरी अम्मी को बताई और अब मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये हमने जब भी किसी को खिलाई है उसको ऐसे ही लगा जैसे हमने मछली खिला दी उसको, और बाद में ही उनको समझ आती है कि यार ये तो पकौड़े ही थे लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के वो थे, टिक्कियाँ थी।
इसकी शेप भी देखे ना कितना खूबसूरत तरीके से कटिंग इसकी जब हो जाती तो शेप बहुत खूबसूरत बनती है इसकी। बस अभी टाइम है इसको बाहर निकालने का, इसको ऐसे बाहर तेल से बाहर निकालें। और प्लेटर में रखते जाएं, इसको आप किसी भी चटनी के साथ, सलाद के साथ, रोटियों के साथ, जैसे पकौड़े रोटी खाते हैं ऐसे रोटियों के साथ इसको सालन में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज फ्रीजर में फ्रोजन करने के लिए भी रख सकते हैं समोसों की तरह। और आप इसको वक्त बेवक्त जब भूख लगे निकाला और तल लिया, या मेहमान आए अचानक से तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप इस तरह से दही की चटनी या इमली की चटनी, केचप, जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, पेश कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। हमारे ज़रा सा असल में कोई वो तो है नहीं, स्टूडियो किचन है तो उसमें रोशनी के बड़ा मसला रहता है। तो प्लीज़ हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन बिल्कुल भी क्लिक करना मत भूलिएगा प्लीज़। हमें अपनी कमेंट्स अपनी आरा से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।